उसको बहुत तरीकों से देखा जाता है, इससे मैं बहुत कुछ से दूर रहता हूँ। सावन का महीना पवन करे शोर, जियर रजू में ऐसे जैसे बनमाना चे मोर। मैं आपके आपके चैनल को फॉलो करता हूँ, पता है? अरे क्या बात है, पहले से तब मुझे लगता है बहुत कम सब्सक्राइबर थे, तब से मैं फॉलो करता हूँ, देखता हूँ। ये जो चीजें वोकेशनल आइटम्स हैं हमारे डिसेबल बच्चे बनाते हैं। आप कर लेंगे मुंबई का वड़ा पाव, वो भी श्रीनगर में, क्या बात है यार। मुझे क्यों, क्यों नाम क्या छू? इरशाद, इरशाद सुना, व्हिच इज योर भाईजान? हां, सवाल शक नहीं है। चल सीने पे खाए हुए सितमगर हो तुम, खूब पहचान। नाम तो सुना गब्बर सिंह का, इसको भी फिल्मों में देखा भैया, फिल्मों में। गब्बर सिंह मैं आए, ओरिजिनल गब्बर सिंह। पुराना जमाना है, आज 50 साल हो गया इसको, ये कहां टाटो है इसको 50-60 साल हो गया है। ये क्या चाहिए, क्या चाहिए साहब? कोल्ड ड्रिंक चाहिए साहब? सब कोल्ड ड्रिंक सर, 50 रुपया। थैंक यू सौरभ सर, साहब दे दीजिएगा पैसा, दे दीजिए। गुड मॉर्निंग बकलोल जनता, वेलकम बैक टू द बकलोल टीवी व्लॉग्स। आज के दिन की शुरुआत हो रही है शिकारा में, बारिश लगी हुई है और हम डल लेक में, और अपने हाउस बोट को अलविदा कह रहे हैं, और परवेज भाई को अलविदा कह रहे हैं हम। तो गोल्डन फिश हाउस बोट, फ्लीस, गोल्डन फ्लीस, मतलब क्या होता है इसका? कैमल, क्या बात है, सोने का, बड़े अमीर बंदे आप फिर तो। और वो देखो, वो भाई साहब हमारे शिकारा चला रहे हैं, कौन सी जैकेट हो, रेनकोट पहन के। तो ये डल लेक की साफ सफाई के लिए है बोट। क्या 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 त्रत क्या छु, त्रत क्या छु, ये चीज त्रत अच्छा किसी काम का नहीं, आप कह रहे हो नहीं होती सफाई, बकवास होता है। परवेज जी कह रहे हैं सफाई नहीं होती, बकवास होता है, पर फिलहाल रखा हुआ है सरकार ने, ये देखो घास फूस। सो अभी हम आए यार डल लेक के पास में, कन्वेंशन सेंटर है, यहाँ पे अंदर एक इवेंट चल रहा है। वकार खान हमारे भाई एक बहुत ही बेहतरीन सिंगर है, इंटरव्यू भी करेंगे आज उनका, लेकिन यहाँ पे इवेंट हो रहा है फिलहाल उनका। सो वो एंजॉय करते हैं, देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। कश्मीर में पहली बार ऐसे कोई इवेंट वैसे ज्वाइन कर रहे हैं हम, देखने वाले हैं। सो वकार भाई उनका वहाँ पर इंटरव्यू हो रहा है, ANI इंटरव्यू ले रहा है। कैसे हो? बढ़िया, ऑल गुड, ठीक ठाक। थैंक यू आने के लिए। अरे क्या बात। सो यहाँ पे कुछ कश्मीरी प्रोडक्ट्स लगे हैं शायद से। मैम क्या है ये? हाथों से बनाते हैं अपने? क्या बात है, ये बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं। ये SKICC है, कन्वेंशन सेंटर, बहुत ही तगड़ा है यार, कसम से, मतलब मज़ा आ गया। आप देख सकते हो सामने, बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। क्या बोलते हो करण भाई? बहुत बढ़िया है नहीं। तो ये वकार खान अपने भाई अंदर गाना भी गाने वाले हैं, परफॉर्मेंस है उनकी, वो भी सुनेंगे, और उसके बाद इंटरव्यू भी करेंगे, मज़ा आएगा। और इंटरव्यू पता कहाँ करेंगे हम? वहाँ पर करेंगे, वो बोट के ऊपर। सो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, आनंद आएगा, आनंद। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए बहुत जख्म सीने पे खाए हुए, सितमगर हो तुम खूब पहचान दे दो, तुम सितमदार वाले बड़े वे मोहब्बत में उलझाने वाले, तुम्हारी कहानी को मुबारक, तुम्हारी जबान। तो प्लीज एक बार जोरदार तालियां, फारूक अब्दुल्ला साहब आए हैं आज, क्या बात है। ओ चारों चराग तेरे पर हमेशा, चारों चराग तेरे पर हमेशा, चारों चराग तेरे पर हमेशा। हमारा इतना बढ़िया इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया गया, और मेरा नाम सौरभ कल्याण है, द बकलोल टीवी एंटरटेनमेंट चैनल है हमारा, जम्मू से हैं हम। तो मैं चाहूंगा ना उस दरिया देवी और उस नेकी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं।
और उसके बाद वकार भाई जिन्होंने मतलब मैं उनको बहुत सालों से खुद फॉलो कर रहा हूँ, उन्होंने एक्चुअली इनवाइट किया था, हम यहाँ पे आए थे, भगवान का वरदान है मैं कहूंगा कि इनके लिए। तो इन बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और हमारे भी डॉक्टर साहब भी थे और सर ने भी कहा था कि जस्ट वन कॉल अवे है ना सर, एक फोन पे आ गए हैं, तो इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। तो लास्ट में बस इतना चाहूंगा क्योंकि डॉक्टर साहब को भी हमने बहुत बार देखा है, किसी भी इवेंट में जाते हैं तो मतलब पूरे घुल मिल जाते हैं, गाने भी गुनगुनाते हैं, कभी कभी तो हमें नाचते हुए भी देखा है। तो मैं चाहूंगा सर आज बच्चों के लिए ना दो अगर कुछ लफ्ज गुनगुना दें। अगर मैं गाता हूँ उसको बहुत तरीकों से देखा जाता है, इससे मैं बहुत कुछ से दूर रहता हूँ। क्या बात है, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब हमारे बीच थे यहाँ पर, यही बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सावन का महीना पवन करे शोर, जियर रजू में ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियर रजू में ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। अब वो दम नहीं रहा तो आगे वो कहता है, राम गजब डाले ये पुरवैया, नैया सबालो कित अरे हो थिवैया, पुरवैया से कह दो नले नले नो, जियर रे झूमे ऐसे जैसे मन माना चे मो। सलाम अलैकुम। फारूक अब्दुल्ला साहब से हम इंटरव्यू का वक्त ले रहे थे बट अनफॉर्चुनेटली कल वो दिल्ली जा रहे हैं, पार्लियामेंट का सत्र शुरू हो रहा है, गलत बात हो गई है। सो इवेंट हो चुका है ओवर और अभी हम वकार भाई के साथ करेंगे इंटरव्यू। भाई जान मतलब आपने ले ली कसम से, इतना ज्यादा मजा आया ना। मैं आपके चैनल को फॉलो करता हूँ, अरे क्या बात है, थैंक यू सो मच। तब मुझे लगता है बहुत कम सब्सक्राइबर थे, तब से मैं फॉलो करता हूं, देखता हूं। क्या ठीक कर रहे हैं ना, बहुत थैंक यू सो मच। आप देख रहे थे ना जितनी भी टाइम आप स्टेज पे हम नाच रहे थे झूम रहे थे, कसम से बहुत ज्यादा मजा आया। और अब मजा करेंगे ड्यूरिंग द इंटरव्यू सेशन, वो बाद में वीडियो देख लेना ठीक है, चलते हैं। सो इंटरव्यू खत्म और इंटरव्यू किया हमने ये स्पेशल क्रूज के ऊपर डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म वालों का, और सीरियसली बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। आप पूरी वीडियो देखना, वकार भाई जो अभी वहाँ पे हैं कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं, इंटरव्यू बहुत मज़ा आया, गाने बहुत बड़े सुने भाई ने, जल्दी देखोगे आप बकलोल टीवी पे। तो अभी शाम के 6:30 बज चुके हैं और हम लूर लूर फिर रहे हैं डल लेक के किनारे, और मज़ा आ रहा है क्योंकि अभी तक तो बारिश वाला माहौल था, बादल बादल थे, तो अभी धूप निकली और अभी ठंडा ठंडा ऐसा लग रहा है, लग रहा ना करण भाई बहुत सही। तो आप बात क्यों रहे थे कैमरा से? मैं नहीं आता कैमरा, कैमरा शाही पर्सन, क्या यार कैमरा शाही पर्सन। तो चलो देखते, अभी भूख तो बहुत लगी है, लंच भी नहीं किया हमने, रोटी खाएं हैरान दे डिनर ही करते हैं सीधे, डिनर करते हैं सीधे, पेट में बहुत भूख लगी है माता। So, वो डल लेक है और डल लेक के साइड पे यहाँ पे मुंबई का वड़ा पाव, मुंबई का वड़ा पाव वो भी श्रीनगर में, क्या बात है यार, मुझे मुंबई के दिन याद आ गए। मीठा चटनी नहीं है? नहीं नहीं, केचप नहीं, क्या बात है भैया, क्या बात है। दो जगह आ गए चटनी में, स्विमिंग बोट और मार्केट में, जो आपको बोर्ड बड़ा राउंड है ना उसमें कुल लगेगा पर हेड 700, पर हेड 700 इसमें हमने लेके जाना आपको 800 फाइनल, 800 इधर ये बोल 800 फाइनल, यकीन मानो नहीं नहीं हो गया फाइनल, क्योंकि ऐसे बाजू से चलाना है 800। यार ऐसे नहीं करना, ऐसे मेरी बात सुन, ऐसे नहीं करना, 800 नहीं, 800 रुपया फाइनल, चलो 800 नहीं, प्यार मोहब्बत से चलेंगे 800 रुपया फाइनल, चलो 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 चलो, बड़ा होना आप ही हमारे भाई, आप हम छोटे भाई हैं तो फिर 800, मेरी बारी आएगी मैं ही ले जाऊंगा, ठीक है ठीक है, आप 800 रुपया, 800 कम, ना ना यकीन मानो, आप यकीन मानो 800 कम ना, फिर 800 रुपया, नहीं नहीं 800 रुपया ठीक है, हमने इसमें टाइम भी देना है, टाइम तो बहुत होता है, वही है ना आपका टेस्ट में बर्बाद, 800 बनाएंगे उसमें आपको इंजन 1300 पूरा है, 800 ये मस्त दियो 800 रुपए, मैंने 100 रुपए कम किए, 500 दिए 1300 बढ़ाया 1100, मैंने बताया पहले 1200, मैंने अब आ गया नीचे, मेरी बात सुनो ना, आपको मजा ना, जल्दबाजी नहीं हो,
जल्दबाजी किसी भी चीज में नहीं, ना जल्दबाजी मजे में नहीं आता, आपका आराम मजे में पूरा मजा आना चाहिए। चलो 850 इससे ऊपर नहीं है यार, इतना तो मन भाई जन्ना मेरी भाईजान, चलो चलो आप फ्री में बैठो, ऐसा बात नहीं, 1000 आपके लिए, आपके लिए नहीं यार, आपके लिए तो नहीं बैठना। तो 900 बनाया फाइनल में अंकल को, इसके साथ जाओ अच्छे तरीके से घुमा, मैंने इसको कॉन्शियस। इरशाद भाई घुमाएंगे हमें, वाले शो शुक्र भले भले मास्टर को ले जाना साथ में, नजरवानी को ले लो साथ। कौन है नजरवानी? पीछे पास है ये मासी साहब, जफर सुपारी क्या बात है ना मास्टर साहब, जिस कावा से चोन आपने कभी गब्बर सिंह का नाम सुना? हां हां, क्या गब्बर सिंह का नाम सुना? इस नाम तो सुना गब्बर सिंह का, इसको भी फिल्मों में देखा भैया, फिल्मों में गब्बर सिंह में आए, ओरिजिनल गब्बर सिंह, गब्बर सिंह हमें शिकारा में घुमा रहा, डाल है हमारी, ठीक है, गब्बर इज बैक। सावन का माहिरा जिसके पास हम बताएगा ना उसी के पास करना, वो अच्छा है, ठीक है, आप जिसके पास लेके चलोगे वही, ठीक है, चलो चलो चलो। गाना सुनाओगे हमें? केसर वेसर सब कुछ देखना, वीडियो बनाना है, ठीक है, देखना है। गब्बर सिंह से डरते तो नहीं यहाँ पे सारे? नहीं, नहीं। मेरे को डरता है तो फिर क्या गब्बर सिंह का फायदा? कोई बात नहीं, आराम से बैठो, आराम से सब दिखाएगा। सो गाइस हम इस तरफ शिकारा पे हैं, मेरे साथ रह रहे सबको ब्लॉगर का भूत चढ़ा हुआ है, कश्मीरी का हवा, और हम आसमान की ऊंचाई। अच्छा मैं आप चुप बनवाऊंगा, और ये फूलों की अलग जो फ्रेग्रेंस है बहुत ही ज्यादा, अगर आपने कश्मीर में कहवा नहीं पिया तो यार क्या। अब क्या चाहिए साहब? कोल्ड ड्रिंक चाहिए साहब? सब कोल्ड ड्रिंक सर, 50 रुपया। थैंक यू सर, ऑफर साहब दे दीजिएगा, पैसा दे दीजिए, विल विजिट योर राजा टी स्टॉल खोला मैंने शिकारे बीचों बीच बिल्कुल डल लेके। तो अभी हम आए थे अंकल के पास यहाँ पे टूथब्रश वगैरह लेने के लिए, अंकल थोड़े से परेशान है, अंकल कह रहे यार ऑनलाइन पेमेंट ही होती है, ये बकवास है, ये खाते में नहीं जाती, क्या बोलते हैं? खाते में जाते ही नहीं, वो बोल रहा अंकल खाते में जाती है सीधी, खाते में जाती है मगर हमको नकद पेमेंट चाहिए। नकद क्या कर रही है? डायरेक्ट खाते में जाती है, चला गया का बड़ा दुकानदार है ये, बड़े बाबर उनके लिए, छोटे से इंसान बड़ा बनता, अच्छा खासा बड़ा दुकान है आपका, हाथ बड़ा। ना ना ना, इससे सीधा खाते में जाता है पैसा, इधर उधर नहीं होता, खाते में जाता है मगर हमको देना होता है किसी को नकद, तो वो एटीएम से निकाल के दे दिया, सिगरेट वाला बोलता ही नहीं है, तो एटीएम से निकाल के दे दिया करो सीधा, वो बोलता है मुझे एटीएम नहीं, मुझे नकद पैसा दे दो। हां तो आप अपने एटीएम से निकाल के दे दिया करो ना, क्या करें इसमें, डर लगता है आपको इससे कि पैसा? डर नहीं लगता है, इसमें नकद होना चाहिए, देखो सिगरेट वाले को दे रहा है 10,000 रुपया, कितना देना चाहिए, बोलेगा नहीं मुझे, सब जगह भेज देगा, नहीं नहीं मानते ये, ये है जम्बू वाला। अच्छा अंकल ये कितना पैसा हुआ? 304। तो ऑनलाइन दूं आपको फिर मैं? यार तो ये जम्मू वाला लल बकरोल की पहचान लिया, क्या बात है, और बढ़िया टिकला, मैं पैसे दूंगा आपको या ऑनलाइन स्कैन करके, जो मर्जी है वो करो। पक्का ना? जो मर्जी है आप बताओ, जो आप बोलोगे, नकद चाहिए या वो स्कैन चाहिए? नकद देगा नहीं, अंकल को तो स्कैन करना है, नकद पक्का, अगर देगा नकद वो तो आप बेटर है, वो बेटर है यार, आपको नकद देंगे यार। ये लो पूरा, ये बाकी, ये देखा है, ये तो नोट आ गया हाथ में, ये हमारे काम को आएगा, इस मजा आता है इसमें, इसमें मजा आता है, नकद नकद पैसा हाथ में आता है, 100 रुपया, बढ़िया, चलो बढ़िया, खुश रहो, इसको दे देना 300, इसको पहले जवाब दे रहे ना इधर, ये 100 रुपया दिया ना इसको दे दो ना, जाएगा क्या, क्या इसको क्या 40 रुपये, ये भी क्या याद करेगा, बिल्कुल ये कंटेंट दिया था, ये देखो हमारे बिक्री हो रहा है नकद नकद। 300 दिया मैंने आपको, इसमें मुझे लग रहा है ज्यादा दिया, फिर वो बोलेगा हम ज्यादा दिया, पैसा कहाँ गया, ये हो गया समझो 260 देखा, नकद में कितना मसला पड़ता है, गिनना पड़ता है, बड़ा मसला, अगर स्कैन करके दिया तो सीधा अकाउंट में आता है आपके, नहीं हमको मजा इसी में। अगले टैटू क्या बनाया?
300 अगले टैटू क्या बनाया आपने अगल ये क्या बनाया चलो शुक्रिया 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 टैटू ये नहीं है ये क्या बनाया आपने ये पुराना जमाना है आज 50 साल हो गया इसको ये कहाँ टैटू है इसको 50-60 साल हो गया ये थोड़ी टैटू है ये भी चलो तो अभी यहाँ से निकलेंगे हम डायरेक्ट अपने रूम की तरफ चलो